तकबीरात हम पढ़ रहे हैं, तकबीर का तर्जमा क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या वाकई अल्लाह सबसे बड़ा है या मेरा नफ्स बड़ा हो जाता है? नहीं नहीं, अल्लाह बड़ा तो है, नो डाउट अबाउट दैट। हम बड़ा मानते हैं अल्लाह को, शादी ब्याह के मौके पर अल्लाह को बड़ा मानते हैं, कारोबार करते हुए अल्लाह को बड़ा मानते हैं, घर में मामलात करते हुए अल्लाह को बड़ा मानते हैं, माँ बाप के साथ डील करते हुए अल्लाह को बड़ा मानते हैं, शोहर बीवी के साथ, बीवी शोहर के साथ डील करते हुए अल्लाह को याद रखते हैं, जज अपनी कुर्सी पर बैठ के अल्लाह को याद रखते हैं, आज पार्लियामेंट के मेंबर्स अल्लाह को याद रखते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, मुल्क का सदर हो, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, आज का हो या माजी का कोई हो, ये सारे पोजीशंस लेते हुए हम अल्लाह को बड़ा मानते? चेक कर ले, अगर मानते तो ये हशर होता पाकिस्तान का आज, ये जुल्म होता इस मुल्क के अंदर, ये बर्बादी होती आज हमारे अंदर। तो अल्लाह अकबर कैसे कहा, कहने से काम भी चलेगा भाई? वरब्बा का फकबिर, अल्लाह अपने रसूल को फरमाता है सलाम, अपने रब की बड़ाई का बोलबाला कीजिए, बिलफेल अल्लाह की बड़ाई का निफास कीजिए। तो इस जात पर भी अल्लाह को बड़ा होना चाहिए। वो अल्लाह अकबर कहने से काफी काम थोड़ी चलेगा, अल्लाह को बिलफेल मानना बड़ा, और उसको मानकर अपने मामला को तय करना, चाहे मैं घर में बड़ा हूं, कारोबार में बड़ा हूं, अदालत की जज की कुर्सी पर बैठा हूं, मुल्क का सदर बना बैठा हूं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना बैठा हूं, या कसे माशत किसी भी पोजीशन में हूं, अल्लाह को मैंने जवाब देना है मरने के बाद, ये लिहाज रखकर मैं अपने मामला को चलाऊं।